दया आंखें बंद कर। क्यों? अब कौन सी सजा बाकी है? तुझे अभी तक सजा मिली कहाँ है? अब मिलेगी। आंखें बंद कर। बंद की। घूम जा। आंखें मत खोलना। गजरा, ये है मेरी सजा? हाँ। टुप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरी भोली दया, बापूजी ने मुझे आज ही पत्नी सेवा का मस्त पाठ पढ़ाया और मैं तुझे सजा दूँ, ऐसा हो सकता है? ये भी है। तो? अच्छा टुप्पू के पापा, अगर मैं आपकी पहली सजा का स्वीकार कर लेती और हमेशा हमेशा के लिए अम्मा चली जाती तो? ऐसे कैसे चली जाती? मैं तुझे जाने देता तब जाती ना। अरे हमारी जोड़ी जलेबी और फाफड़ा जैसी है, जलेबी और फाफड़ा कभी अलग हो सकते नहीं। तो ये गया। आज मुझे तेरी सेवा करने का मन हो रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या काम करूँ? पानी लेके आऊँ, ये चद्दर बिछा दूँ? अरे नहीं 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 टुप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। अरे तू मेरे काम करती है तो मुझे तो कोई पाप नहीं लगता, तो फिर तुझे कैसे पाप लगेगा? और वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे की मदद करे उसमें पाप कैसा? पति पत्नी का रिश्ता तो मोबाइल और बैटरी जैसा है। मोबाइल और बैटरी? हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। देख मोबाइल है और बैटरी नहीं है तो मोबाइल कुछ काम का नहीं, और बैटरी है और मोबाइल नहीं है तो बैटरी कुछ काम की नहीं, समझी? तो चल हुकम कर, बोल आज मैं तेरे लिए क्या काम करूं? तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बोल। ठीक है बाबा, ठीक है। ये आराम कुर्सी पर धूल कब से आराम कर रही है, तो उसको उठा के भगा देंगे बस। अरे अभी धूल उड़ा देता हूँ, बाजू हट। अच्छा टप्पू के पापा, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हैं तो वो जरा सुबह धो देना, और 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालना, और हाँ सुबह दूध वाले भाई आएंगे तो दूध ले लेना और दूध गर्म भी कर देना, और हाँ दूध गर्म करते वक्त पतीली में पहले थोड़ा पानी डालना फिर दूध डालना, और फिर टप्पू का नाश्ता भी बना लेना, चाय भी बना देना, और सब्जी भी काट के रखना, और आटा भी गूंथ के रखना, ठीक है? क्या हुआ, मोबाइल बंद क्यों हो गया? बैटरी खराब निकली। एक उंगली क्या दी, मेरा दोनों हाथ खींच लिए। गब्बर सिंह। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? लुच्ची। चलिए सो जाइए छेला बाबू। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग। क्या हुआ अय्यर भाई को कहाँ छोड़ने जा रहे? जेठालाल बबीता मेरे को छोड़ने नहीं जा रही है, मैं बबीता को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जेठा जी वो हम आपके घर पे आके समझाते। हाँ ठीक है, आइए आइए आइए। दया दया, क्या हुआ? दया क्या बताऊँ दया, बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो गया, बबीता जी घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आपको किसने बताया? अरे मैं अभी बालकनी में वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके बिल्डिंग के बाहर दोनों दबी हुई आवाज में झगड़ा कर रहे थे, वो अय्यर भाई के हाथ में बबीता जी की सूटकेस थी। चलिए चलिए हम जल्दी से उनको समझाते हैं। दया, दया, हाँ। वो लोग यहीं आ रहे हैं हमारे घर पे। हाँ मेरा देर, मैं जल्दी करूंगा। फिर आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, उसमें कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है।
नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ? किसने कहा आपको? टप्पू के पापा ने। जेठालाल, वो मैंने अभी मेरी बालकनी से देखा तो कंपाउंड में आप दोनों झगड़ रहे थे और अय्यर भाई के हाथ में आपकी वो ये बैग थी, तो मुझे लगा आप घर छोड़ के। नहीं जेठा जी, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं राजकोट जा रही हूँ मेरी फ्रेंड रूपाली की शादी में, तो मुझे दया भाभी से एक बांदी की साड़ी चाहिए थी, और अय्यर मुझे कह रहा था कि एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा था, तुम राजकोट में जाके साड़ी खरीद लेना। अब मैं राजकोट में जाके कब साड़ी खरीदूंगी? इससे अच्छा मैं दया भाभी से एक बांदी की साड़ी ले लूँ। तो इसी बात पर हमारी बहस हो रही थी, और आपको दूर से देख के ये लगा होगा कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग झगड़ नहीं रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, वो क्या है, गोकुल धाम हमारा एक परिवार जैसा है ना, तो आप दोनों को तकलीफ में देख के मुझे एकदम तकलीफ हुई, चिंता हो गई, इसलिए मैं दौड़ के दया के पास आया और दया से कहा कि प्लीज बबीता जी को समझा कि ऐसे घर छोड़ के ना जाए। क्या ये डलाल, तुम कुछ भी सोच लेते हो। सॉरी सॉरी, लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। दया भाभी, आप अपनी को एक अच्छी से बांधने की साड़ी दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, देती हूँ, पहले आप बैठिए, आपके लिए चाय, अय्यर भाई आपके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, हम चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे भाई भले करके आए, अभी नाम लिया तो थोड़ा कुछ खा के जाए, जा लेके आ लेके। अरे नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है और मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं शादी में नहीं पहुंच पाऊंगी। हाँ। तो दया भाभी प्लीज आप अपनी एक साड़ी दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, 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 जा जा लेके बैठिए तो सही। आई 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 बैठ। लेकिन शादी में जाने का पहले से नक्के नहीं था, अचानक नक्के किया बबीता जी? वो एक्चुअली शादी में हम दोनों ही जाने वाले थे, पर अय्यर की छुट्टी कैंसिल हो गई, फिर मैंने भी जाना कैंसिल कर दिया था, पर फिर लेट नाइट मुझे पता चला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी शादी में जा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ नहीं, बहुत बराबर सोचा आपने, वैसे भी आजकल अकेले कहीं जाने जैसा नहीं है बबीता जी। मतलब राजकोट बढ़िया है, राजकोट मस्त है, वहाँ आप बिंदास एकदम अकेले घूम सकते हैं। हाँ, राजकोट में हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, आपको बिल्कुल अकेले महसूस नहीं होने देंगे। आपको पता है मेरी मौसी की बेटी है ना, वहाँ पर ही है, और मेरे चाचा की बेटी। बबीता जी अकेले नहीं जा रहे हैं, वो अपने तीन चार लेडीज दोस्त के साथ जा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी आप एक फोन करेंगे ना, बस आ जाएंगे सब लोग। तो तू साड़ी साड़ी दिखा रहा, इधर इधर ले, मैं इधर आ जाता हूँ। बबीता, इसमें से जल्दी से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, हमको लेट हो रहा है। अरे एक क्या बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। बराबर। जेठालाल, बैग में इतना जगह नहीं है। अरे भाई, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो, दया एक बड़ा सूटकेस भी लेके आ। अरे नहीं नहीं जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही साड़ी चाहिए। अरे एक में क्या होगा बबीता जी, लेके जाए ना, वैसे भी सब साड़ियाँ कपट में पड़ी है। लेकिन अरे भाई तू खड़ी के जा, जा लेके आ सूटकेस। जेठालाल, बैग छोड़ो, लेट हो रहा है। बबीता, तुम ये सब साड़ी में से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट चली जाएगी। हाँ बाबा, एक मिनट। जाना है बबीता जी को और अय्यर भाई को टेंशन हो रहा है। जेठालाल, 45 मिनट से पहले काउंटर बंद हो जाता है, बाद में 2 मिनट भी लेट हुआ तो फ्लाइट चली जाती है। मालूम है 45 मिनट पहले है ना, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट कितने भी बजे का हो, बबीता तुम जल्दी से कोई साड़ी सिलेक्ट करो ना। ओके यार, राइट। बबीता जी, लगता है आज अय्यर भाई का अकेले का कुछ प्रोग्राम है, वो कैसे भी करके आपको राजकोट भेजना ही चाहते है। जेठालाल, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। बबीता, तुम कोई साड़ी सिलेक्ट करो। देखो ये हाँ, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, राइट, मेहरून कलर। तुम्हारे ये फेयर स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा, बेस्ट। दिस इज वेरी नाइस। हाँ जय बाबी, मस्त साड़ी है, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। अय्यर भाई, ये साड़ी मैंने नहीं खरीदी है, टप्पू के पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। ओह रियली, क्या बात है जेठा जी, गुड चॉइस, हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। आमतौर पे जेंट्स लोगों को लेडीज के शॉपिंग के बारे में ना ज्यादा पता नहीं चलता है। मेरा क्या बबीता जी, एकदम अलग है क्या, मुझे तो बड़ा मजा आता है दया के लिए कुछ भी खरीदी करने का। मैं कहीं भी ऐसे जाता हूँ बाहर, तो मुझे कोई अच्छी साड़ी दिख गई तो एकदम ऐसे दिमाग के सामने मुझे ऐसे दया याद आती है कि ये साड़ी दया पहनेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी, तो उठा लेता। ओह, हाउ स्वीट इज दैट।
बबीता ऑन सेकंड थर्ड ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, ये देखो। Yeah, that's such very nice. हाँ। ये भी टप्पू के पापा ही लाए थे। Now I'm confused. दोनों में से कौन से साड़ी लूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। अरे ज्यादा सोचिए मत बबीता जी, दोनों ले जाइए। दे काम, ये भी दे दे, दे दे ना भाई। हाँ, दे 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 दे, हाँ, दे दे, हाँ। उसमें क्या इतना सोच रहे बबीता जी, रखिए रख रख दीजिए उसमें। ए वो मैचिंग वो झूल रही है, ये दे दे। हाँ ये रेडी है, ये लीजिए। थैंक यू, ये बहुत सुंदर है। चलो ए इसमें रख दो, बैग में फटाफट पैकिंग कर दो। क्या आप भी बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ग्रेट। अये भाई आपको खरेखर बबीता जी के साथ राजकोट जाना चाहिए था, हमारी गुजराती शादी में आपको तो जलसा पड़ जाता। आई नो दया भाभी, लेकिन क्या है कि कनाडा से कुछ लोग मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और मेरा बॉस ने कहा है कि मेरा मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया। लेकिन यार भाई बॉस को यह बताने की क्या जरूरत थी कि आप शादी में जा रहे हैं, बोल देना था कि आप बीमार पड़ गए। लेकिन जेठालाल मैं एडवांस में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बीमार होने वाला हूँ। अरे यार भाई मेरा मतलब है कोई भी झूठा बहाना बना के बॉस को बोल देना था। ये जेठिया अय्यर को झूठ बोलने से कर रहा है। नहीं नहीं बाबू जी, मैं ये कह रहा था बबीता जी क्या अपने एक लेडीज दोस्त के शादी में जा रहे हैं राजकोट, तो मैं अय्यर भाई को कह रहा था कि आपको भी बेचारे बबीता जी अकेले जा रहे तो उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा झूठ बोल के? झूठ बोल के नहीं, कुछ भी करके जाना चाहिए। चाचा जी हम लोग निकलते, बबीता का फ्लाइट मिस हो जाएगा। ओके संभल के जाना बबीता जी, और एक पहुंच का फोन कर देना अय्यर भाई को। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापू जी। एक मिनट, तू लोगों को उल्टा सीधा सिखाता है, झूठ बोलने के आइडिया देता है, मतलब तू मुझसे भी झूठ बोलकर कई बार दुकान नहीं गया होगा? नहीं 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 बापू जी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब दूसरों से झूठ बोलता है? नहीं मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ बापू जी। अच्छा, मतलब जिंदगी में तूने कभी झूठ बोला ही नहीं? अभी कभी कभार किसी का दिल ना दुखे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अभी बोल रहा है, समझाता हूँ। मैंने तुझसे पूछा तू झूठ बोलता है, तो तूने कहा नहीं, अगर तू हाँ बोलता तो मुझे दुख होता, इसलिए तूने झूठ बोला। ना कहा, बोला ना झूठ? बोल जवाब दे। अरे बोल। मैं दुकान जा रहा हूँ बापू जी आए उससे पहले दुकान जाता हूँ। अरे प्रभ चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे भाई चाय नाश्ता मैं दुकान में कर लूंगा, अभी यहाँ चाय नाश्ता करने रुकूंगा तो बापू जी फिर से मुझे डांटेंगे। हेलो बोल बोल छोटी बोल। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, बोल जल्दी बोल क्या बात है। ओ जेठा ब्रा, मेरे दिमाग में एक तड़कता फड़कता शानदार बढ़िया आइडिया है यार। नहीं नहीं सॉरी, अभी नहीं अभी नहीं, रात को सोडा शॉप पे हम लोग मिलेंगे ना तभी बताना ठीक है। ओ यार मैं रात को भूल गया तो? अरे तो मैं तुझे याद दिला दूंगा भाई। और तुम भूल गए तो? तो तुम मुझे याद दिला देना। हाँ यार ठीक है, तुम मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। ओके टाटा बाय बाय सी यू। ओके 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 चल दे मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। लगा सॉरी जय जिनेंद्र भाई। एक मिनट ये अपना सोडी कुछ कहना चाहता है। अरे मुबारक हो सोडी, हमको पता नहीं था तुमने नई सेक्रेटरी रख ली। क्या जेठालाल क्या कुछ भी बोलते हैं। सॉरी 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 भाई सॉरी। बोलो बोलो सोडी क्या कहना चाहते हो। ओ यारो, ओ मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावण का महीना भी गया, बारिश भी गई, और गणपति बापा हमारी प्यारी सोसाइटी में आके अगले साल आने के लिए भी गए, और साथ में नवरात्रि भी गई और दिवाली भी गई। सही बात है, हमारे सारे त्योहार चले गए,
अब तो मजेदार खाना पीना अगले साल ही मिलेगा। पार्थिव रा, वो अगर चाहो तो अच्छा खाना पीना कल मिल सकता है। कैसे? कल ही। कल कैसे? कल क्या? वो यार कमाल है, तुम सब भूल गए? वो कल 31 दिसंबर है। अरे हाँ, तू कैसे भूल गया? कल 31 दिसंबर है भाई। मैं कैसे भूल गया, मतलब निकल गया दिमाग से जेठालाल। ओए 31 दिसंबर को शाटी वाली पार्टी तो बनती है ना। अरे सही बात है। हां हां, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या यार, देखा भाई, कैसा हो गया, कैसा हो गया, मजा आ गया। पार्टी तो बनती है, लेकिन बबीता जी तो है नहीं, उनके बगैर पार्टी में क्या मजा आएगा। क्या हुआ, क्या? नहीं नहीं, मैं वो कह रहा था कि हाँ, कल 31 दिसंबर है, हम कैसे भूल गए। हाँ, पिछले साल सुंदरलाल ने कितनी बढ़िया पार्टी दी थी 31 दिसंबर की, जलसा पार्टी, और ऊपर से सोसाइटी को 1,00,000 रुपए का फंड भी दिया था। हाँ, फ्री में जलसा पार्टी हो गई थी। भाई जेठालाल, एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछो तो सही कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी नहीं करनी। अरे भाई, अभी बहुत लेट हो गया, अगर उसको पार्टी करनी होती तो उसका तो आयोजन 15 दिन पहले ही हो गया होता, उसका फोन आ गया होता मुझे। अरे भाई पूछो तो सही, पूछने में क्या अर्ज है। ओ पप्पू, और रहने दे यार, और सुंदर प्राग को पूछने का कोई फायदा नहीं, और वो कैसी पार्टी देगा। और पिछले साल देखी थी ना कैसी पार्टी दी थी, वही घास फूस वाली पार्टी, सिर्फ शरबत पीना और थोड़ी देर नाचना और गाना। और ऐसी पार्टी भी कोई पार्टी होती है यार? भाई पार्टी तो वो पार्टी होती है जिसमें कैरम हो, मिट जाते सारे गम हो, और शाटी वाली पार्टी को पार्टी कहते हैं। ओ यारो, ओ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, सॉरी, एकदम करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मैं तो सॉरी की बात से सहमत हूँ। ये शाटी के बगैर की पार्टी पार्टी थोड़ी होती है भाई। करते करते सॉरी, कल हम लोग शाटी वाली पार्टी करते हैं। ये हुई ना बात यारो। पर जेठा भाई, शाटी वाली पार्टी हम लोग करेंगे कैसे? हमारी बीवियां तो कभी हमें अकेले छोड़ती ही नहीं है। और ये तो क्या कि औरतें सवाल भी इतने पूछती, ये सवाल भी इतने पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतना लेट क्यों आओगे। अरे जवाब दे देते नाक से दम निकल जाता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग सही कह रहे हैं भाई, पार्टी शार्टी की बात सुन के हम खुश तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे बस का नहीं है भाई। क्योंकि देखो, हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं फंसते हम ही लोग, हमारी कोई भी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। याद नहीं है? अरे वहां तो पार्टी भी नहीं थी, मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी, जब मैंने अंजलि की कसम खाई थी। हा? आप लोग अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने वाले थे, याद नहीं तब क्या हुआ था? डाला डाला, आग जल रही है। मुझे तो अभी भी, ओ यारो, ऐसे डर डर कर कब तक जिएंगे हम? उस साल में एक बार भी हम शाटी वाली पार्टी नहीं कर सकते है? इतनी आजादी भी नहीं हमें। और हम लोग अपनी अपनी बीवियों को अभी जाके कह देते हैं कि कल हम लोग शाटी वाली पार्टी करने वाले हैं। अरे जाओ भाई जाओ, सोड़ी, इसमें डरने की क्या बात है। अरे पोपटलाल, तुम क्या कह रहे हो भाई, जाओ भाई जाओ, तुम तो कुंवार हो, तुम्हें क्या पता शादीशुदा आदमी की क्या मजबूरी होती है। सोड़ी भाई, तुम तो समझदार हो, हम अपनी बीवियों के सामने जाके क्या कह भाई, हमें पार्टी शार्टी करनी है, इसलिए जरा इजाजत दे दीजिए, पता फिर क्या जवाब देंगी वो। अगर आपने पार्टी शार्टी करने का सोचा भी तो याद रखना, आपको पूरा 2015 सिर्फ और सिर्फ डाइट फूड ही मिलेगा, समझे? रोशन के शर्म आवेज के नहीं, हर बार सिर्फ पार्टी शार्टी सोचती है। इस बार अगर तूने शार्टी वाली पार्टी की है ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। हंस, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने शार्टी वाली पार्टी की तो इस घर में भूख हड़ताल होगी, और वो भूख हड़ताल तुम करोगे, तुम। मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए। अरे माधवी, सॉरी माधवी, पर लेकिन थोड़ी सी परमिशन ही तो चाहिए थी। शिक्षक है ना? नहीं। तो एक शिक्षक होकर आपके ऐसे लक्षण है, ऐसे लक्षण है, निर्लज्ज।
सुना मैंने शाल्टी वाली पार्टी करनी है। जटिया शाल्टी वाली पार्टी करेगा तू? रुक आज तेरी खैर नहीं। जटिया शाल्टी वाली पार्टी करेगा हैं? नहीं भाई नहीं, घर पे जाके हम अपने अपनी बीवी से ये शाल्टी वाली पार्टी की बात नहीं कर सकते भाई, क्योंकि घर पे सिर्फ बीवी थोड़ी ना है, बच्चे भी है और मेरे घर पे तो बापू जी भी है। अगर उनको पता चला तो वो तो मेरी खाल उधड़ देंगे। नहीं नहीं बोलेंगे हम। सॉरी छोटी। क्या सॉरी जेठा परा, उस जरा सोचो इस बार भी 31st नाइट को हम लोग शरबत पीकर सो जाएंगे, तो क्या साल में हमको एक दिन शाटी वाली पार्टी करने का हक नहीं है? वो एक दिन भी नहीं, वो एक दिन के चंद घंटों की बात है यार, क्या हमको इतना भी हक नहीं है? कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम? सही बात है भाई, जीवन में थोड़ा आनंद तो करना ही चाहिए। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो सोटी, अंदर से तो मेरा भी ये शार्टी वाली पार्टी करने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ओए मन को मत मारो जी टपरा, हम शार्टी वाली पार्टी करते हैं, लेट्स एंजॉय। क्या कहते हैं मेहता साहब? नहीं जेठल, पार्टी शार्टी करने का मन किसे नहीं होगा, मेरा भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन करें कैसे? हम लोगों में पोपड़ लारी एक ऐसा है जो बिंदास पार्टी कर सकता है। बिंदास पार्टी कर सकता है मतलब क्या? अरे भाई मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है, तो मैं बिंदास हो गया? अरे भाई आपकी पत्नी है, आप लोगों की चिंता करती है, उस तरह से मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो मैं बिंदास हो गया? अरे भाई मेरे लिए लड़की ढूंढने के बजाय मुझे ऐसे बिंदास ताने मारते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये? अरे भाई शांत हो जाओ छत्रीपति, शांत हो जाओ। हाँ भाई छत्रीपति, तुम भी कभी बनोगे पति फिर पता चलेगा। जितने दिन लग्न कैसे होता है ऐसे मोदी? सारे पवनलाल सॉरी, पप्पू सॉरी बोल रहा है बेटी का। और यार हम कौन सी गल कर रहे हैं और तू कौन सी गल लेके बैठ गया यार? हाँ? अभी आपस में झगड़ा वगड़ा छोड़ो और ये सोचो कि हम शाटी वाली पार्टी कैसे कर सकते हैं। हाँ सही बात। एक मिनट दोस्तों, एक बात गौर करने जैसी है। कौन सी? ये 31st वाली पार्टी की बात ना ही महिला मंडल के और ना ही टपू सेना के दिमाग में आई है। हाँ तो? अरे तो हम लोग कोई भी बहाना बनाकर बाहर जाके पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। अरे हाँ, ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। हाँ बरा है कदे जरा वाकड़ा तिकड़ा पे वाइला पाइजे। हाँ भिड़े, एक्चुअली इस बात पे तो ध्यान ही नहीं गया। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि 31st कल है और आज हमारी सोसाइटी में इतनी शांति है कि बच्चे मस्ती से खेल रहे हैं और औरतें गप्पे लड़ा रही है। तभी मैंने बोला था। अरे यार डॉक्टर हो गई यार। अरे गोली दे। अरे रुक रुक रुक, ये पॉइंट ले। हां क्या हुआ भाई? गुलाबी ठंडी से मुझे एक सवाल याद आया। हमेशा ठंडी को गुलाबी ठंडी क्यों कहा जाता है? और अगर ठंडी को गुलाबी कहा जाता है तो फिर बाकी सारी ऋतुओं को कोई और रंग का नाम क्यों नहीं दिया जाता? हाँ, that's a very logical question. हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। करेक्ट। मुझे पता है ठंडी को गुलाबी क्यों कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि ठंडी में हमारे गाल गुलाबी गुलाबी हो जाता है, इसलिए ठंडी को गुलाबी ठंडी कहते हैं। अच्छा। और पता है हर मौसम के भी अलग अलग रंग होते हैं। जैम के गर्मी में धूप की वजह से हम लोग काले काले हो जाते हैं, इसलिए गर्मी को काली गर्मी कहते हैं। और बरसात में सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती है, सब हरा हरा हो जाता है, इसलिए बरसात के मौसम को हरी बरसात कहते हैं। क्या बात है दया भाभी, क्या जवाब दिया है, रंगों में उलझा कर सवाल को सुलझा दिया। रियली सुपर्ब। मैं हूँ ना। खुद कोई दे रही। अंजलि भाभी, ये सवाल आपको अभी आया ना, लेकिन मुझे तो बचपन में ही आ गया था। कि हर मौसम को अलग अलग कलर से क्यों जाना जाता है, क्यों? तो फिर ये जवाब किसने दिया? मैंने, अपने आप को ही। दया भाभी आप भी ना। ओ माय गॉड।
31 दिसंबर है और हम सब ने पार्टी करने के लिए कोई तैयारियां नहीं की है, ना उसके बारे में सोचा है। अरे हाँ, अरे हाँ, इस बार तो हम भूल ही गए कि 31 की पार्टी करनी है। हाँ। ओ नो, और अब पार्टी के प्लानिंग के लिए भी काफी देर हो गई है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे देर हो गई है, कल पार्टी होनी ही चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, मेरे इनसे मतलब सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी से बात करते हैं, हम लोग कमिटी के सामने प्रस्ताव रखते हैं ना। थैंक यू। हाँ, कल गोकुलधाम सोसाइटी में धम्मा रहनी चाहिए। गोकुलधाम सोसाइटी और उसमें पार्टी नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा धमाल होनी चाहिए, 2014 को थैंक यू कह के 2015 को वेलकम करना चाहिए। एक मिनट, हम लोग ये पार्टी की प्लानिंग लास्ट मिनट पर कर तो रहे हैं, पर क्या भिड़े भाई पार्टी का बजट पास करेंगे? अरे कोमल भाभी, हम उनको मनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, कोशिश कर। हाँ, आइडिया। रोशन भाभी, जैसे ही आज वो लोग सोडा पी के यहाँ आते हैं, तुरंत इस बारे में बात करते हैं। इस धमाल 31 के बारे में हम सारी प्लानिंग करेंगे। हम सबको पार्टी करनी है, मतलब करनी है, दैट्स ऑल। करनी ही है, फाइनल। सही बात है, हमारी बीवियों को कुछ याद ही नहीं है। तो इस बार तो हम लोग खुफिया शाटी वाली पार्टी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, कल शाम को हम लोग कोई ना कोई बहाना बना के अपने घर से निकल जाते हैं, फिर उधर ही कुछ करेंगे पार्टी शाटी। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, घर पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों, बबीता जी आपको साल मुबारक करने के लिए फोन करेंगे तो? अरे तो मैं बढ़ देगा कि मैं सो रहा हूँ। अरे हम लोग जहाँ होंगे वहाँ तो जोर जोर से म्यूजिक बज रहा होगा। हाँ। तो बबीता जी नहीं कहेंगे कि इतना जोर जोर से म्यूजिक बजा के सो रहे हैं आप? करेक्ट है, करेक्ट, बराबर है। तो आप रहने दो, अय्यर भाई को नहीं लेके जाते, आप रहने दो। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे नहीं लेके जाते? नहीं नहीं, मैं आएगा। मैं एक काम करूंगा कि मैं मोबाइल घर पर भूल जाऊंगा। क्या दूसरे दिन जब बबीता मेरे को फोन करेगी तो मैं बोल देगा कि मैं सो रहा था, इसलिए मोबाइल नहीं उठाया। बराबर ना? वो ठीक है, आप जानो भाई, आप फिर बबीता जी तो लेफ्ट राइट लेंगी आपका। अय्यर भी लगता बोला पर है नहीं। और मैं तो अंजलि को फोन करके बोल दूंगा, भाई ऑफिस में जरूरी काम है, बॉस ने रोक लिया, थोड़ा लेट आऊंगा। हाँ, और घर पे आके चुपचाप से खाना खाके सो जाएंगे। खाना खाके तो उधर नहीं, पार्टी में नहीं खाएगा? अरे भाई, तू उसके लिए माधवी भाभी को जगाएगा तो लफड़ा होएगा भाई। उधर खा लेना ना, फिर आके चुपचाप सो जाना इधर। ठीक है, खर्चा का विचार करो तो बाकी। अरे खर्चा कसला, अरे भाई उधर खाएंगे। और क्या है, हम लोग जब भी घर पे आएंगे तो घर के बाकी सब सदस्य तो सो गए होंगे, तो पकड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग भी चुपचाप ऐसे सो जाएंगे घर पे पहुंच गए। हड़ू बोला, धीरे बोलो, किसी ने ये पार्टी शब्द सुन लिया ना तो उनको आइडिया आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, अय्यर भाई जरा धीरे भाई, यकीन नहीं होता हमारा नसीब इस बार इतना अच्छा कैसे है। टप्पू सेना को भी याद नहीं आया पार्टी का। टप्पू को, मेन टप्पू को। एक मिनट, देखिए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी ये खुफिया पार्टी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई यार, किसको पता चलेगा हमारे अलावा यहाँ है कौन? मैं हूँ ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं कसम खाता हूँ सोडा की, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ आज पार्टी शार्टी की कोई बात हुई नहीं है अब्दुल? नहीं हुई, ध्यान रखना। बिल्कुल, चलो चलो भाई, अभी घर जाते हैं। ये भी तो सोच रहे हैं कि कल क्या बहाने बनाने। हाँ, टाइम लगेगा उसमें, बराबर है। तो यारो, तो ये तय रहा कि कल हम लोग 31 दिसंबर को खुफिया अपनी शाटी वाली पार्टी करने जा रहे हैं। ये बल्ले 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 बल्ले, कल 31 की पार्टी होगी, गोकुलधाम सोसाइटी में धूम मचेगी। बल्ले 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 बल्ले। क्या उड़ा उछाल, कुछ कुछ साल। अरे मारा वाला निकला, जरा धीरो पर, उनको आ जाने दे, उसके बाद तय करते हैं कि पार्टी रखनी है कि नहीं रखनी है। ये लोग हमें देख के इतने खुश क्यों हो रहे हैं?
आइए आइए। अच्छा वो आप लोग आ गए, हमें अब आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है माधवी? वो बात दरअसल ये थी कि हम सब बात कर रहे थे कि कल 31st है, तो हम सबको पार्टी तो करनी चाहिए ना। हाँ, अगर कमिटी परमिशन देती है तो पार्टी करनी चाहिए ना हमें। नहीं नहीं माधवी, इतनी जल्दी पार्टी कैसे कर सकते हैं, समय कहाँ है। हाँ 31st December की पार्टी है, आज 30 तारीख है, कैसे हो सकता है, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। नहीं कल के कल तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। और वैसे भी सोसाइटी के पास बजट नहीं है। सर का बजट, बजट हर बार बजट नहीं देखना चाहिए, कभी कभी परिवार की खुशी भी तो देखनी चाहिए, नहीं का? तो अंकल पार्टी कंफर्म ना? तो पार्टी कंफर्म, पार्टी कंफर्म ही करते हैं। और ना जी ना, ऐसे कैसे पार्टी कर सकते हैं, हमारी सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। रोशन कौन सी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाएगी? एग्जैक्टली। अरे जो क्या है कि वो भिड़े ने कल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है, वो आज ही उसने नियम बनाया कि हर साल के आखिरी दिन वो सोसाइटी की एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें आने वाले नए साल में हम लोग क्या क्या प्रोग्राम करने वाले उसके ऊपर हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे। तभी आने वाला साल 2015 है, तो पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 2015 पूरा साल में हम लोग जो जो प्रोग्राम करने वाले उसकी कल चर्चा विचारणा करेंगे, और 2016 जो आएगा उसकी वेलकम पार्टी भी करनी है कि नहीं करनी है उसकी चर्चा भी कल ही रखी है भिड़े ने। तो वो सब प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा बोल रहा है छोटी। वाह वाह जेठा, क्या बात, क्रैक था। काय हो तुम्हें, मीटिंग के लिए कल का ही दिन मिला आपको, और ये क्या अजीब नियम बनाया आपने। ओ कम ऑन भिड़े भाई, 2015 में भी 365 दिन ही होने वाले हैं, तो आप किसी भी दिन मीटिंग रख लीजिए ना। कल के दिन ही आपको मीटिंग क्यों रखनी है? फिर पीड़ंगल हमें हमारे एग्जाम की तैयारी में लग जाना पड़ेगा, पार्टी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। भिड़े भाई हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो मान जाइए प्लीज। भिड़े अंकल आपने अगर पार्टी के लिए हार नहीं कहा तो मैं आज घर ही नहीं जाऊंगा। अरे भोगी भोगी निकल आई सो। नहीं मम्मी मैं घर पे नहीं आऊंगा। भिड़े भाई अब जरा स्पष्ट कहेंगे पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। हाँ हाँ। नहीं करनी है। मैंने बोला नहीं करनी है, नहीं नहीं नहीं। सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब कि पार्टी नहीं करनी है, नहीं हो सकती है पार्टी। तारक भिड़े भाई ना कह रहे उसमें आप इतना सहकार क्यों दे रहे हैं? कहीं आप लोगों का अलग से कोई पार्टी करने का तो प्लान नहीं है ना? नहीं नहीं हमारे कौन से अलग से पार्टी, सवाल ही नहीं। कोई भी नहीं है पार्टी। कर रहे हैं मैं कैसे अलग कर सकता हूँ सोसाइटी से? तो फिर अब मना क्यों कर रहे हैं? सुनो सुनो प्लीज जल्दी हाँ कीजिए, यहाँ पर आग के सामने गर्मी लग रही है। ठीक है हम लोग कल सोसाइटी में पार्टी करते है। अरे ओ अहमदाबाद की गुड़िया, 31st के पार्टी में कोई गरबा करता है तो हम किसको गरबा करेंगे? क्या करें अभी, हमारी तो पार्टी होने से पहले कैंसिल हो गई। बेटा साहब अपना बधा ना नसीब आडे पांदड़ू छे, चलो अभी नींबू शरबत वाली पार्टी करेंगे और क्या। और नहीं जी हमारी पार्टी कैंसिल नहीं होगी। पोपटलाल क्या हर बात में कैंसल कैंसल कैंसल, क्यों भाई बच्चों को इतना मन है, लेडीज लोगों का इतना मन है, तो
क्यों पार्टी कैंसिल करे भाई? छोटी बोल रहा है कि नहीं कैंसिल नहीं होगी हमारी पार्टी। नहीं करेंगे बोल। हाँ 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 करते हैं पार्टी। मैंने कब मना किया है? करते करते अब पिरो वो ऐते आ भाई। क्यों वो ऐते आना यार, पार्टी की प्लानिंग करनी है। देखिए अभी कल 31 की पार्टी की प्लानिंग करनी है तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इसलिए लेट हो सकता है। तो आप घर पे जाइए, जाओ बच्चों, आप भी जाओ। फिर भी कोई मदद की जरूरत हो तो कही है। हाँ। नहीं नहीं आप लोग जा रहे हो वही बहुत बड़ी मदद है। चलो चलो चलो। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं नहीं उल्टा आराम से आइए, पार्टी की सारी तैयारी करके एकदम आराम। ओ यारो चलो सोसाइटी ऑफिस में, हमारी पार्टी की प्लानिंग करनी है। सूढ़ी अब तो सब चले गए तो सोसाइटी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठ के बात करते हैं। आजा इधर आजा, अगर मीटिंग का टाइम बचेगा। आजा सोढ़ी इधर आजा। हां जी थैंक यू जेठा भाई। हां भाई तू बीच में मेरे भाई। भाई आइए आइए भाई, बात हाथी भाई को बैठने दो। अरे आइए हाथी भाई, आप आ जाइए, बैठ जाओ। मोस्ट वेलकम। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, हमें अपनी खुफिया पार्टी के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही किसी का खाली घर हो उधर अपनी शार्टी वो भी पार्टी वाली करने को मिल जाए तो। अरे हाँ ये तो बढ़िया आइडिया है छोटी, यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी चलती रहेगी और हमारी खुफिया पार्टी जहाँ जिस खाली घर में होगी वहाँ हम लोग जा जाके वापस ये पार्टी में आ सकते हैं। मजा आएगा। अरे हम सब लोग सबकी नजरों के सामने होंगे तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। सही बात है, मतलब हमारी सोसाइटी में जो पार्टी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए है। सही बात है। अरे लेकिन पार्टी किसके घर पे करेंगे? मेरे घर पर? हाँ। भाई ये तुम्हारा ही तो घर है जहाँ पे कोई लेडीज नहीं है, तो पकड़े जाने का कोई रिस्क भी नहीं है। नहीं मैं क्या कहता हूँ कि अगर पार्टी पोपटलाल के घर की जगह अय्यर भाई के घर रखे तो बबीता जी भी नहीं है और एक नाला कम चढ़ना पड़ेगा। बराबर। नहीं 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 मेरे घर पर नहीं। क्या एक भी चीज इधर उधर हो गया तो बबीता को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। नहीं 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 मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हाथी भाई को है। अरे भाई कोई बात नहीं, मामला शाटी वाली पार्टी का है, चढ़ जाएंगे दो माले भी। ठीक है तो फिर ये तय रहा कि पार्टी मेरे घर पर करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त हमें पता है कि भाई तुम्हारे घर पे पार्टी हो रही है तो सारा खर्चा तुम करोगे। वाह 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 क्या बात है पोपटलाल, पोपटलाल पोपटलाल बैठ जाओ बैठ जाओ, चिंता मत करो हम सब लोग खर्चा आपस में बांट लेंगे। हुई ना बात, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यारो हम सब का तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। कल हम लोग पार्टी भी करेंगे और शार्टी वाली पार्टी भी करेंगे। सही बात है। अरे एक मिनट, लेकिन हम लोग क्या बहाना करके ऊपर जाएंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना, वरना हमारी बीवियां इतनी शार्प है कि हम लोग एक मिनट में पकड़े जाएंगे। एक मिनट दोस्तों, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या क्या? देखिए शाम होते ही यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी शुरू हो जाएगी। A1 DJ अपना A1 जबरदस्त म्यूजिक बजा रहा होगा, तो सब लोग ऐसे झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, मशगूल हो गए होंगे। बरोबर। तभी पोपटलाल किसी के साथ झगड़ा करेगा। क्यों? अरे भाई मतलब झूठ मूठ का झगड़ा जो असली लगे। एक्टिंग? हाँ। लेकिन क्यों भाई? फिर झगड़ा करके रूठ के तू घर पे चले जाना। मतलब मैं अपने घर पर अकेले खुफिया पार्टी मनाऊं? अरे भाई तुम घर पे चले जाओगे रूठ के तो हम लोग बारी बारी तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हें मनाने के लिए, तो मनाने के बहाने हम लोग खुफिया पार्टी भी मनाएंगे। ओहो!
पहले पोपटलाल को मनाना और उस बहाने पार्टी मनाना, वाह नाना क्या बात है, क्या बात है, माना भाई आज तुमको माना, मन जाए मतलब मैं तो ऊपर ही रहूंगा यारो, पीने के बाद तो नाचने गाने का मजा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन भिड़े सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल की पार्टी की तैयारी तुम्हें, सोड़ी और पोपटलाल तीन लोगों को मिलकर करनी है। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे और दो दो पार्टियां तुम लोग कर लोगे ना। मेहता साहब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं हूँ, दोनों पार्टी परफेक्ट मैनेज करूंगा। नीचे चलेगी सोशल पार्टी और ऊपर चलेगी हमारी खुफिया पार्टी। शाबाश शाबाश भिड़े, तुमसे यही उम्मीद थी। वाह वाह सोडी मान गए, क्या लाया है ना, मस्त खुफिया पार्टी किसी के खाली घर में, क्या जबरदस्त। तू बोला दिखता है लेकिन बोला है नहीं। थैंक यू जी। ओ यारो चीयर्स। तो हमारी प्राइवेट पार्टी का पता चल जाएगा, हमारी तो बैंड बज जाएगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? सुंदर को आमंत्रण नहीं देना चाहिए था। क्यों? अरे वो ठहरा बड़ा आदमी, ऐसे छोटे मोटे पार्टी में उसका मजा नहीं आएगा। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा कहता है पार्टी छोटी है या बड़ी वो मत देखो, पार्टी का दिल देखो। सब चूना लगाने वाली बात है। क्या? दिलो दिमाग को हिला देने वाली बात करता है तेरा वीरा। वीरा तो वीरा है, लाखों का हीरा है। कब आ रहा है वो कोलसा? हीरा हीरा कब आ रहा है? क्या वीरा नहीं आ रहा है? अरे वाह, क्या क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं? वो माने पोल में गरीबों के लिए डिस्को पार्टी रखी है, तो वीरा उसके आयोजन में व्यस्त है। गरीबों के लिए डिस्को पार्टी? जी, मेरी माँ हमेशा कहती है जिनके नसीब में खुशी नहीं होती हमें उनको खुशी देनी चाहिए, इससे उनको आनंद मिलता है और उनको आनंद में देखकर हमें आनंद मिलता है। क्या हुआ? सो जाता है फिर कल देर रात तक जागना भी है ना। कल तो पार्टी में मजा आने वाला है, कल तो साल का आखिरी दिन है और नए साल का पहला दिन भी है। मजा तो आएगा, भिड़े दोनों पार्टी का जबरदस्त आयोजन करने वाला है। दोनों पार्टी? तूने बोला ना अभी इस साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन। हाँ। तो आखिरी दिन को आओ जो कहने की पार्टी और नए साल के पहले दिन को आओ आओ कहने की पार्टी, तो दो पार्टी हुई ना। हाँ, दो दो पार्टी होगी यानी डबल मजा। दो दो पार्टी होगी डबल मजा।
बच गया। चला चला बहुत काम है भिड़े, 31 की दो दो पार्टी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट बना लेता हूँ पहले, अगर नहीं बनाई ना तो सोसाइटी वाले मेरी जान खा जाएंगे। शांतता ठेवा। म्यूजिकल बैंड लेके सुबह सुबह इधर। भीड़ा अंकल, हम आपको सिर्फ ये बताना है कि आप पार्टी में नंबर वन डीजे को बुलाना। हाँ, ऐसा डीजे जो म्यूजिक बजाए और पैर अपने आप जांचने लगे। बले 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 बले। हाँ, और जो गपा गप खा सके। ओ गपा गप, म्यूजिक और खाने का क्या संबंध है? भीड़ा अंकल, कॉमन सेंस, अगर हम ज्यादा नाचे तो हमें ज्यादा भूख लगने ही वाली है ना। गोड़िया, अगर तू नहीं भी नाचेगा ना तो तुम्हें भूख लगने ही वाली है। हाँ ये भी बराबर, पर भीड़ा अंकल पार्टी में खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए और खाने में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। हाँ। और हाँ भीड़ा अंकल, डेकोरेशन एकदम हटके होना चाहिए। एकदम। हाँ। जोरदार लाइटिंग, धमाकेदार म्यूजिक, इन शॉर्ट भीड़ा अंकल हमारी पार्टी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। हाँ बाबा, सबकी नजर अपनी सोसाइटी पे ही होती है, हम जो करते हैं बाकी सोसाइटी वाले भी उसे कॉपी करते हैं। हाँ, सो बात की एक बात भी अंकल, 31 की पार्टी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। हाँ, हमारी खुफिया पार्टी भी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। भीड़ अंकल बोलिए ना, पार्टी अच्छी होगी ना? हाँ, वो मैं सब ध्यान रखूंगा, तुम लोग जाके अभी पढ़ाई करो, रात में पार्टी एंजॉय करनी है ना। भीड़ अंकल हमारी पढ़ाई हो गई है, आपको तो हम नीचे जाके पार्टी की तैयारी करें। हाँ ठीक है, तुम लोग जाके तैयारी करो, जाओ। कॉल पे मिस कॉल दे। ओहो पोपटलाल, कभी आयुष्यात फोन वर पैसा खर्च करणारा माणूस माहित नाही। हेलो भिड़े। हाँ भाई पोपटलाल, बोलो क्यों बार बार मिस कॉल दे रहे हो? अरे भाई, मेरे घर पे जो पार्टी करनी है तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन करना है कि नहीं, और अगर डेकोरेशन करना है तो उसके लिए पैसे मुझे सोसाइटी फंड से मिलेंगे या आप लोग दोगे? पोपटलाल, ये हमारी खुफिया पार्टी है, इसमें सोसाइटी फंड कहाँ से आ गया बीच में? बराबर, ये पैसा हमें निकालना पड़ेगा ना। मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देने वाला, मैं क्यों खर्चा दूं, मैं अपना घर दे रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है भाई। भिड़े, अगर कोई भी डेकोरेशन करना हो या कुछ भी तैयारी करनी हो तो मुझे पैसे दे देना ताकि मैं वो शुरू कर दूं, फिर बाद में मत बोलना कि पोपटलाल ने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, जब मैं नीचे आऊंगा तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ, मुझे अभी काम है, फोन रखो। हाँ, ये हुई ना बात, अब ठीक है, ओके बाय। ओके। ओहो, इस ओड़ी का फोन। कमाल है। हेलो, की हालचाल, कितना की मौज की मस्ती की बाहर। अच्छा बोल बोल, जल्दी बोल, मुझे बहुत सारा काम करना है, कैसे याद किया? ओ, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी खुफिया पार्टी शादी की तैयारी कैसे चल रही है पिडू। हाँ भाई, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई करने दे तो ना। पहले टप्पू से ना आ गई, फिर पोपटलाल का फोन आ गया, अभी तुम्हारा फोन आया। ओ यार पिडू, सॉरी सॉरी, मैंने इसलिए फोन किया, देख सोसाइटी की पार्टी में कुछ गलती वलती हो गई तो चलेगा, लेकिन अपनी खुफिया पार्टी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारा लिस्ट एकदम बराबर बना लेना, और अपनी कोल्ड ड्रिंक, मंचिंग, खाने पीने का सब इंतजाम कर लेना, और गिलास वो तब मैं लेके आऊंगा अपने पटियाला स्टाइल के, उसको तो लिस्ट में मत लिखना। ठीक है सोड़ी, तू चिंता मत कर, मैं अभी लिस्ट ही बना रहा हूँ, अभी रखू फोन। ओ यार, बड़े टाइम पर अपनी खास पार्टी शार्टी होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मैं पूरे अपनी सोसाइटी को सर पे उठा लूंगा। ए, सोड़ी, अरे हलू बोल, धीरे बोल, धीरे बोल, रोशन भाभी सुन लेगी ना। अब पिडो, अरे घबरा ना यार, भाई रोशन डार्लिंग किचन में काम कर रही है यार। तो ठीक है, अभी मैं फोन रखूं, मुझे बहुत सारा काम करना है भाई। चल चल पिडो, फर्स्ट क्लास काम कर, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके ओके, बाय बाय बाय। इसी तरह फोन आते रहेंगे तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी होना मतलब कांटों का ताज पहनने जैसा है। सबसे पहले खुफिया पार्टी की लिस्ट बनाता हूँ। आहो, जरा ये अचार के मसाले किचन में ऊपर रख दीजिए ना, बहुत भारी है। हाँ मैं रख दूंगा 10 मिनट बाद, अभी जरा काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो 31 की पार्टी है ना आज, तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। अरे वाह बगू। हा? अरे देवा, ये खुफिया पार्टी की लिस्ट माधवी ने पढ़ ली तो? बाप रे। आहो क्या सोच रहे हैं आप, लाइए दीजिए यहाँ पे। अरे अरे माधवी, अगर कुछ भूल गए तो मैं याद दिलाऊंगी आपको। दाल, सिंग, पापड़, चिवड़ा, वेफ, ये क्या लिस्ट है?
और ये चखना क्या है? माधवी, आज पार्टी है और पार्टी में हम लोग जो जो आइटम रखेंगे खाने की, तो वो चक्कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है ना, तो मैं चक्कर चीजें रखूंगा, इसलिए मैंने लिखा है चखना। अच्छा, सहेगा? हाँ, बरोबर चखना। हाँ, बरोबर बरोबर चखना, करेक्ट है। तो अभी जरा मैं निशा जाके आऊँ, वो क्या है अब्दुल को बताना है कि क्या क्या काम करना है पार्टी के, है ना? हाँ, जाइए ना। ये मसाले मैं बाद में रख दूंगा ऊपर, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो लिस्ट? हाँ लीजिए। हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ हाँ। दया आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। टप्पू के पापा आज दुकान से जल्दी आ जाना, पार्टी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या हुआ? ये अंगूर की बेटी? किसकी बेटी? अंगूर 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 नहीं समझता? नहीं, अंगूर समझे, अंगूर की बेटी मतलब? ये अंगूर की बेटी ने पूरी दुनिया सर पे उठा रखी है। ओह, अभी तो एकदम ही समझ के बाहर है। अरे अंगूर की बेटी मतलब टप्पू तो नहीं है ना? नहीं, बुलाऊं? अरे नहीं, अंगूर की बेटी मतलब शराब। ये देख क्या हो क्या गया है सबको? किसको क्या हो गया है? अरे ये पढ़, 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। कौन इतनी शराब पीता है? कौन है? बाप रे बाप, पूरा शहर। और ये पढ़, शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया, दे दिया तलाक। कैसा पति है? शराब पीता है? उसकी पत्नी उसका लोई पीती होगी, तो बेचारा क्या करेगा, शराब भी पिएगा ना? क्या क्या बोला? गलत है, ऐसे शराब पीना बहुत गलत है। एक आध बार कभी कभार पी लिया था, ठीक है, पर रोज रोज तो ये कभी कभार वाली, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ये शराब ऐसी चीज है जो एक बार पी ली तो बार बार पीने का मन करता है। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना, तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। जा, 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 ले तो जा। पर बापूजी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें लिखा है कि वो छुप छुप कर पीता था, तो पकड़ा कैसे गया? दुखबू की वजह से पकड़ा गया होगा। दुखबू? जी हाँ, दुखबू। जिस सुगंध को सूंघकर खुशी होती है उसको खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध को सूंघकर दुख होता है उसको दुखबू ही कहते होंगे ना, तो दुखबू से पत्नी ने उसको पकड़ लिया होगा। हाँ बराबर है, बराबर है, वो दुखबू की वजह से ही पकड़ा गया। ये चालक पति रोज शराब पीकर दुखबू छुपाने के लिए इत्र लगा कर घर जाता था। एक दिन इत्र लगाना भूल गया तो पकड़ लिया पत्नी ने। इत्र लगाना कैसे भूल गया बेवकूफ? भूलना ही था तो शराब पीना भूल जाता? इत्र तो अच्छी चीज है, वो लगाना कैसे भूल सकता है कोई? मुझे तो ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दया और बापूजी का रवैया देख के ये दुखबू के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हो दुकान के बारे में। चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। न पावर। नहीं तुझे नहीं, तू जा। ये दुखबेश को नपावट कहीं का, धरती का बोझ। ये अखबार वालों ने तो टेंशन दे दिया, इतनी भी क्या जल्दी थी खबर छापने की? 31 दिसंबर के बाद छापते तो जत्था बंद लोग मिल जाते तलाक वाले, उनकी खबर भी दमदार होती और हमको नड़ती भी नहीं। अभी क्या करे, ये दुखबू का कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सबको फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, आप घर पर ही है कि ऑफिस के लिए निकल गए? नहीं, अभी तो घर पर ही हूँ। और अंजलि भाभी? हाँ है ना, सामने।
मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। ओहो, फिर तो आपके घर पे नहीं मिल सकते हैं। मतलब सब आप अंजलि भाभी को 10-15 मिनट के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं? नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है जेठालाल, नहीं। तो काम कीजिए, आप ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ जाइए, वहीं पे मिल लेते हैं। पर जेठालाल, हुआ क्या है, बात क्या है, तो बताओ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, शायद हमारी ये खुफिया पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? क्यों? क्यों? जेठालाल, सोसाइटी में सारे लोग पार्टी का मूड बना के बैठे हुए हैं, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो? हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल ना हो तो मिलना पड़ेगा, हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़ में सलाख करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना, तैयारी करेंगे, भरपूर तैयारी करेंगे। क्या क्या कहा? नहीं तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारी दुकान पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी सबको भी फोन करके वहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तारक, क्या हुआ, क्या कहा जीठा भाई ने? किस बारे में? अरे पार्टी के बारे में। हाँ, अरे वो क्या है कि असल में पार्टी आज ही है, एक ही दिन है, तो सारे लोग तैयारियों की वजह से थोड़ा सा परेशान है कि कैसे करें तैयारी। हाय भगवान, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जेठालाल की दुकान पे हम सारे लोग मिल रहे हैं, सारे जेंट्स तैयारियों की मीटिंग के लिए। वो तो यूं बात है। हाँ। खामखा घबरा दिया आपने मुझे। हाँ तो पपड़लाल, तुम भी मेरी दुकान पे पहुंच जाओ, ठीक है? ओके। अब्दुल भाई, वक्त बहुत कम है, सारी तैयारी फटाफट करनी पड़ेगी। भिड़े भाई, आप सोसाइटी की पार्टी की चिंता छोड़िए, आप खुफिया पार्टी की तैयारी कीजिए। सॉरी। अरे वाह, भिड़े यही मिल गया। अरे भिड़े, पोपटलाल को मैंने बोल दिया है, मेहता साहब भी अभी ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ रहे, तू भी आतिफ भाई और सोडी को लेके मेरी दुकान पे आ जा। और आइए। अरे हाँ, उनको भी लेके आ जा। लेकिन क्यों, पार्टी की जगह चेंज हो गई है, दुकान में करनी पार्टी? अरे भाई, पार्टी पोपटलाल के घर पे ही है, लेकिन हो सकता है शायद हमारी खुफिया पार्टी कैंसिल हो जाए। का चलो अचानक। अरे भाई, तुम्हें मजे दुकान वर या ना समझा सगड़ा सांग तो। पार्टी कैंसिल हो गई है। अरे भाई, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, शायद हो सकती है। ओए किवें, ओए पोपू ने मना किया क्या? ओए उसको सोसाइटी में रहना कि नहीं? अरे नहीं भाई, बेचारे पोपटलाल ने मना नहीं किया, पार्टी उसके घर पे ही है। वो क्या है, हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़ में सलाह करने के लिए अभी मेरी दुकान पे हम लोग सब मिल रहे हैं। हाँ तो मिलते हैं, मिलते हैं। बच्चा आ गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ओ ओ बोगी के बापू जी, बच्चा आ गए। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। टप्पू से ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग आए थे ना मेरे घर पे यही बोलने के लिए, और मैंने हाँ भी बोल दिया था, फिर वापस क्यों बोल रहे हो? बीड़ा अंकल, हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग एक बार हाँ बोल देते हैं, फिर भी आप बार बार पूछते हैं ना, होमवर्क किया, होमवर्क किया, होमवर्क किया। वो क्या है, आप ही की आदत हमें लग गई। तो बीड़ा अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। ओ बीड़ा अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। नहीं, पहले अपने हाँ बोला था ना, और अभी अपने हो बोला, इसलिए मैंने वापस बोला, तो आप बुलाओगे ना? लाइक फादर लाइक सन। थैंक यू बिडू, मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोगों ने स्पॉन्सर्स को इनवाइट कर दिया ना? हाँ बाबा, हम लोग वहीं गए थे, सबको इनविटेशन देके ही आ रहे हैं। गुड गुड, शाबाश शाबाश, चलो चलो फ्रेंड्स, चलते चल। बिड़े, मैं निकलता हूँ दुकान, तू सबको लेके आ जाए दुकान। चलो चलो मिलते हैं। यहाँ से काटू नटू काका, थोड़ा और ले पीछे। ये ठीक है? चलेगा, बस कुछ ठीक नहीं है, मगन के भरोसे दुकान छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो गोडाउन में? वो सेठ जी, ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करनी है, इसलिए उसे पैक कर रहे हैं। पर ये तो मगन का काम है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो सेठ जी, आज उसकी कमर में थोड़ी लचक आ गई है। क्या? सॉरी सॉरी, मचक आ गई है। ठीक है, तो ये काम खत्म करके दुकान में आ जाइए। वो तो दुकान में ही आएंगे ना सेठ जी, और कहाँ जाएंगे? अरे नटू काका, वो बिक्री का रजिस्टर कहाँ है? दुकान में ही है सेठ जी। अरे भाई, दुकान में ढूंढा नहीं है भाई, वहाँ पे है। अरे नटू काका यहाँ है, ये रहा।
सेठ जी, वो 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? वो तेरी कल रात को ही तो तय हुआ कि सोसाइटी में पार्टी होगी और आज सुबह सुबह तुझे पता भी चल गया। सोसाइटी में जो जो होता है तुझे सब पता चल जाता है। कौन है तेरा जासूस उधर? कोई नहीं। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लगा है उधर? और उसका छोटा टीवी क्या यहाँ किसी एक बॉक्स में छुपाया है? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज आपको दुकान आने में लेट हुआ ना, इसलिए नटू काका ने मुझे बताया कि बाघा सेठ जी के घर पे फोन करके पूछ ले कि सेठ जी अभी तक निकले कि नहीं। तो मैंने आपके घर पे फोन किया तो फोन सेठानी जी ने उठाया और सेठानी जी ने मुझे बताया कि आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी होने वाली है। तो आप, बावरी जी और नटू काका तीनों 31 दिसंबर की पार्टी में आ जाना। और सेठ जी, जब मैंने ये खुशखबरी बावरी जी को सुनाई तो वो खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। ये दया बिना उत्साही, अरे यहाँ हमारी खुफिया पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो सबको न्योता दे रही है। क्या सोच में पड़ गए सेठ जी, हम लोग पार्टी में आए कि ना आए? अरे भाई, तेरा पहला पहला प्यार है, बावरी का किसी अच्छी होटल में ले जा, हमारी सोसाइटी में क्या रखा है? अपनापन। गोकुलधाम सोसाइटी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारे परिवार में आ गए हैं। वेरी ट्रू, गोकुलधाम सोसाइटी हमें हमारे उड़ाई गांव जैसी लगती है। सेक्रेटरी भिड़े भाई हमारे गांव के सरपंच लगते हैं, डॉक्टर हाथी हमारे गांव के वैद्यराज लगते हैं, और मैं, आप हमारे उड़ाई गांव के नगर सेठ लगते हैं। ठीक है, आ जाना तुम तीनों। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। बागा, मजा आएगा पार्टी में, हम गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, धूम मचाएंगे, वी विल ब्लास्ट, बूम बूम। ओ यारो, ओहो, क्या बात है, हमें भी पार्टी छाड़ी है, तुम चल गया जरा ब्रो। अरे 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 अरे, क्या आप लोग सब यहाँ? वो मैंने बुलाया इनको सबको, मुझे काम है थोड़ा। एक काम करो, आप लोग ये छोड़ दो, जाओ जाओ दुकान में जाओ। जी जी। और सुनो, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक यहाँ मत आना, और मेरे लिए कोई फोन आया, मुझे कोई मिलना है तो उनको भी कहना सेठ जी अभी बिजी, अभी नहीं मिल सकते, ठीक है? जी सेठ जी। आइए नटू काका। व्हाट आर यू गोना वेयर? देखते हैं नटू काका, शाम की बात है ना, देखते। क्या बात है भाई जेठालाल, मैंने सुना है कि तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जेठालाल, तुम पार्टी कैसे कैंसिल कर सकते हो? पार्टी कैंसिल करने का कॉपीराइट तो पोपटलाल के पास में। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे आज सुबह घर में बापूजी अखबार पढ़ रहे थे तो वहाँ हुआ यूँ के क्या हो क्या गया सबको, 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। अब बताओ, अगर बापूजी को पता चल गया कि हम लोग खुफिया पार्टी कर रहे हैं तो हम सबका तलाक करवा देंगे। चलो मैं बच गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पहले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तलाक करवाएंगे, लेकिन तलाक तो करवा के ही रहेंगे। तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो जेठा साहब, वो कुछ भी हो जाए, ये पार्टी शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। हां सही बात है जेठा, पार्टी कैंसिल नहीं। अरे भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कैंसिल ना हो, लेकिन हमें कोई सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। ओ जेठा साहब, वो कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी खुफिया पार्टी चाटी कैंसिल नहीं होने दूंगा। ओ बड़े दिनों बाद अच्छे दिन आ रहे हैं यार। सो तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, लेकिन ये दुखबू का क्या करे? दुखबू? मतलब ये कौन है? दुखबू, जिस सुगंध से सबको खुशी मिलती है उसे जैसे खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध से औरों को दुख होता है उसे दुखबू ही कहेंगे ना, दुखबू। ओहो वाह जेठालाल, क्या 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 वर्ड ढूंढ के निकाला तुमने, वाह। हाँ भाई, मेरे ख्याल से जेठालाल तुम्हारी इस खोज के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। कहाँ से उत्पन्न किया है शब्द दुखबू? भाई हमारे घर में है ना वो गुणी दया, वो कहीं से लेकर आई है।
अच्छा कहाँ से? अरे भाई मेहता साहब छोड़िए ना, जो बात करने आए वो बात करते हैं ना। सही बात है। ओके 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 ठीक है भाई, पहले ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों की यही इच्छा है तो, क्योंकि साहित्य पे चर्चा तो 31 दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। हाँ सही बात, करिए करिए चर्चा। हाँ, पार्टी पार्टी की बात। तो भाई बताओ भाई, दुखबू का क्या करे? जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वो पोपटलाल के घर पर रख देंगे, जो भी पोपटलाल के घर से बाहर निकलेगा ऐसा अपने ऊपर ऐसा छिड़क के जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह। लेकिन 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 मेरी सबसे एक विनती है कि अगर हमें अपने बीवी बच्चों से बचना है तो हम लोग ज्यादा नहीं पिएंगे। बिल्कुल बराबर, सही बात है भाई, कितना भी मजा है हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं पिएंगे। हाँ डॉक्टर आतिफ, लिमिट में तो पीना ही है, लेकिन पीने के बाद एक बात और ध्यान रखिए, पीने के बाद कोई भी किसी की बीवी बच्चों के पास नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि डेकोरेशन में लाइट भी थोड़ी डिम रखना, ताकि हम लोग गलती से भी लड़खड़ा जाए ना तो भी किसी को नजर नहीं आए। लेकिन पोपटलाल क्यों लड़खड़ाएंगे, अभी हमने तय किया ना कि लिमिट पे पिएंगे, तुम ज्यादा पीने वाले हो। अरे भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सोडे की बात कर रहा हूँ। ओए पोपू, तू कहना क्या चाहता है, मैं पी के लड़खड़ाता हूँ? ओए तूने मुझे कब देखा पी के लड़खड़ाते हुए? बता, मैंने कब पी के लड़खड़ाता? तू नहीं लड़खड़ाता है, दरअसल पीकर मैं लड़खड़ाता हूँ, इसलिए मुझे तू लड़खड़ाता हुआ नजर आता है भाई। जैसे अभी देख, तू खड़ा है, मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मुझे तू हिलता हुआ नजर आ रहा है। ओए गल है तो फिर ठीक है, सोटी के लिए बोल रहा हूँ, खबरदार आगे से मेरा नाम लिया तो। सोटी 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 भाई, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना, रात को सोसाइटी कंपाउंड में झगड़ा करना है। हाँ बचा के रख भाई। पोपटलाल रात को तुम झगड़ा ऐसा करना कि एकदम असली लगे। हा? हाँ असली। हाँ एक काम करूं, रात को पोपू को असली का ठोडूं। अरे अरे भाई सोड़ी, भरोसा रख भाई, मुझे झगड़ा करना आता है। अरे भाई रात को मैं ऐसा झगड़ा पेश करूंगा कि आप सबको मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना सोड़ी तो उस वक्त हल्का सा ठोक देना। अरे भिड़े भाई मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करना, जिसको झगड़ा करना है वो कर ले। एक काम कर, तू झगड़ा कर ले जेठालाल को याद करके। क्या भाई, क्या जेठालाल को याद करके मतलब क्या? अरे भाई तुम दोनों में बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, इसलिए बोला मैंने। पोपटलाल झगड़ा नहीं होता, वो कभी कभी हल्की सी तू तू में हो जाती है। हाँ लेकिन अभी। और मान ले भिड़े कि हम दोनों ने झगड़ा किया भी, तो हम दोनों में से कोई रूठ के पोपटलाल के घर पे क्यों जाएगा? आता बोल, पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे झगड़ा करने दो ना अपनी तरह से। इस देश में कोई एक आदमी ढंग का काम करने जाए तो 25 लोग टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो भाई पोपटलाल, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अरे मेहता साहब शांत हो जाइए, अब ये तय हो गया कि पोपटलाल ही झगड़ा करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठा भाई, आपने मीटिंग बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया जेठालाल, कि हमारी ये खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो गई, और हमारी भोली बीबिया सोच रही होगी कि हम 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हम सबके पतिदेव आदर्श पति हैं। एक दिन पहले हम सब ने 31 पार्टी का प्रस्ताव रखा और वो लोग पार्टी रखने के लिए राजी भी हो गए। या एब्सोल्युटली राजी भी हो गए और लगे शाम पे जुट भी गए। अरे देर रात तक मीटिंग कर रहे थे लोग, पता है मीनू ने तो सुबह सुबह पार्टी की लिस्ट भी बना दी। अरे वाह, कुछ भी कहो हम लोग बहुत नसीब वाले कि हमें ऐसे पति मिले हैं। बराबर कहा भीड़े बैठे। हाँ नहीं तो आजकल के मर्द लोग अपने वाइफ और बच्चों को घर पे छोड़ के कहाँ कहाँ पार्टी बनाने चले जाते हैं, गोवा खंडाला। लेकिन हमारे पति हमेशा हर साल नया साल हमारे साथ ही मनाते हैं। सच में हम लोगों ने बहुत ही पुण्य किए होंगे कि इतने अच्छे पतिदेव हमें मिले। भगवान हर जन्म में हमें यही पतिदेव मिले। दया भाभी ये मस्त आईडिया है। क्या? मैं क्या कहती हूँ कि ये नए साल में हम हमारे पतिदेव का सम्मान करें, तो ताकि क्या है उनको भी पता चले ना कि हम उनके कितनी कदर करते हैं। राइट। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो उसी बात पे हम सब के आदर्श पतियों के लिए हो जाए तालियां। ओके लेडीज लेडीज लेडीज, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आज शाम पार्टी में हम लोग क्या पहनने वाले। मुझे लगता है कि 31st नाइट की पार्टी है तो हम सब वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। गुड। मैं क्या कहती हूँ हम सब लेडीज इतनी मस्त तैयार होंगे ना कि हमारे पति देव हमें देखते ही रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। और हम लोग ना इस बार मैचिंग कपड़े पहनते हैं, कैसा आइडिया?
सिलेक्शन ना हम लोग ही करके रखेंगे ताकि उनको कपड़े सिलेक्शन का टेंशन ना हो। नहीं हमारी पार्टी की तैयारी को लेकर बेचारे इतना बिजी है तो एक काम उनका कम कर सकते हैं। करेक्ट रोशन भाभी, हमारे पति हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हां तो इसी बात पे 3 cheers for our husband। हिप हिप हुर्रा, हिप हुर्रा, हिप हुर्रा। बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट, सुनो भाई भाई, हमारी खुफिया पार्टी की तो प्लानिंग परफेक्ट हो गई। सब कुछ तय हो गया, कैसे करना है, क्या करना है। हां लेकिन भाई भिड़े, अब एक बार ये भी दोहरा लो कि सोसाइटी कंपाउंड में जो पार्टी होनी है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ हाँ हाँ, और क्या क्या करनी है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं सारे पॉइंट दोहराता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 डीजे मंगाएंगे ताकि हमारे बीवी बच्चे नाच गाने में इतने मशगूल हो जाए कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, डेकोरेशन इतना बढ़िया करेंगे कि लोगों की नजर डेकोरेशन से हटेगी ही नहीं। हाँ, और पॉइंट नंबर 3, भाई खाने में इतनी वैरायटी मंगाएंगे, इतना बढ़िया खाना मंगाएंगे कि लोग खाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। परफेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अरे एक मिनट भाई, मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे? वो झगड़ा करने के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, सोसाइटी की पार्टी के साथ साथ हमारी खुफिया पार्टी की तैयारी भी तुम ही करने वाले हो, तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले से ही खाने पीने का सामान लाकर घर में रख देता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना काम कम और तुम सोसाइटी की पार्टी पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सही बात है। अभी मैं हाँ बराबर मैं दे देता हूँ पैसा। 1, 2, 3, 4, 5, ये ले 5,000। चलेगा ना इतना? हाँ अभी चलेगा, फिर बाद में लगा तो ले लूंगा। हाँ जेठालाल, हम लोग बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ भाई, कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो वापस दे देना। हाँ मेहता साहब, कहने की बात है भाई, हिसाब हिसाब होता है। भाई पोपटलाल भाई, ये तुम जो भी खाने पीने का सामान लेने जाओ और जब वापस आओ तभी ध्यान से आना भाई, सोसाइटी में किसी को भी हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो जेठालाल, इस बार हम हमारी खुफिया पार्टी को किसी भी तरह से सफल बनाएंगे। जलसा करेंगे, जलसा। अच्छा सुनिए, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, जरा फटाफट हाथ चलाना प्लीज प्लीज। लाइट का कनेक्शन कहाँ से लेना आपको पता है ना? हाँ मालूम है। हाँ ठीक है, सोसाइटी के मीटर बॉक्स से। हाँ हाँ मीटर बॉक्स से लेना कनेक्शन, लेकिन जरा ठीक से कनेक्शन करना, वरना कहीं अगर फ्यूज उड़ गया ना तो लाइट चली जाएगी और पूरे पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। साहब आप चिंता मत कीजिए, काम एकदम परफेक्ट होगा। हाँ थैंक यू। अच्छा स्पीकर का क्या हुआ? स्पीकर ऐसे मंगवाए हैं कि हमारे गाने चांद पर भी सुनाई देंगे। अच्छा तुम जाके चेक करने वाले हो वहाँ? क्या भीड़ भाई आप भी। अच्छा तुम कैटरिंग वाले से बात कर लेना, क्योंकि मुझे डीजे वाले से बात करनी है। हाँ। ये टप्पू से ना मेरा सर खा गई है कि जबरदस्त डीजे होना चाहिए। तुम देखना अब्दुल, आज 31 की पार्टी ऐसी धूमधाम से होगी कि सब बोलेंगे कि सेक्रेटरी हो तो आत्मराम तुकाराम भिड़े जैसा हो। भाई मेरी बातें क्या सुन रहे हैं अब्दुल, तो जाके वो कैटरिंग वाले से बात कर। हाँ हाँ अभी जाता हूँ। जल्दी। सोड़ी ने जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, और रोशन और डार्लिंग और गोगी और पुत्र और पीड़ो। चुप बस कंट्रोल कर। रोल ही तो नहीं हो रहा यार। मुझे बता तू वो लेके आया? रॉकेट। हाँ वही रॉकेट जिसको पीने के बाद हम लोग उड़ने वाले हैं। अच्छा रॉकेट और कंट्रोल क्या भिंडी मास्टर, सोड़ी क्या बातें हो रही है? नहीं नहीं कुछ खास नहीं चाचा जी, वही बातें जो आपने सुनी है? कौन सी बात? मैंने कुछ नहीं सुना। मुबारक क्या मुबारक? रात को नया साल आने वाला है ना, तो उसकी एडवांस में ही मुबारक भी मुबारक चाचा जी, मुबारक जी मुबारक। ये सुड़ी ये थैली में क्या है? ये इसमें रॉकेट है, बहुत सारे पटाखे हैं जी। इतनी सी थैली में बहुत सारे पटाखे?
नहीं मतलब चाचा जी क्या है ना ये लेटेस्ट पटाखे मतलब आजकल कैसे हाईटेक जमाना है ना मतलब टीवी के साथ डिश टीवी फ्री फिर मिक्सर के साथ ग्राइंडर फ्री वैसे ही एक पटाखे पे दूसरे पटाखा फ्री मतलब बहुत छोटे छोटे रॉकेट है बहुत छोटे छोटे बम्स है काफी सारे पटाखे इसलिए बहुत सारे पटाखे मतलब एकदम लेटेस्ट पटाखे 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 टूट जाएगी यार टूट जाएगी पटाखे टूट जाएगी फूट जाएगी नहीं होता सूरी वो फूट जाएगी ऐसा बोलना है उसको फूट जाएगी मतलब फुलझड़ी अंदर जो है वो फूट जाएगी ऐसा बोलना है खुशी खुशी पे जुबान पे चल गई अच्छा गोगी बेटा अभी नहीं खोलते इसको क्या है ना ये लेटेस्ट पटाखे है और दुकानदार ने बोला है कि इसको हवा लग जाएगी इसलिए फोड़ने से 10 मिनट पहले उसको निकालना है इसलिए अभी नहीं खोलना है अरे तो भाई ऐसे पटाखे लाते ही क्यों जिसमें हवा लग जाए और वैसे भी पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है जितने कम फोड़ो उतना अच्छा है हाँ बस बस रही अच्छा बीड़ा अंकल आपको डीजे को मत बुलाना क्यों अरे डीजे वाले को बुलाओ जबरदस्त डीजे होना चाहिए जबरदस्त डीजे होना चाहिए मेरा सर खा गए थे तुम अभी मत बुलाओ हाँ बीड़ा अंकल क्योंकि हमने नए जमाने की सुपर स्मार्ट डीजे डॉली को बुक कर लिया है हाँ। आज शाम को डॉली की धुन पे गोले का डोली डोले का गोली सबकी जबान पे चल रही है खुशी के मारे दादाजी चलिए आपके कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं मेरे लिए हाँ दादाजी आज की पार्टी में मैं आपको तैयार करूंगा चलिए 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 अरे ठीक है चलो चलिए चलिए ये दादा और पोते की जोड़ी भी एकदम सुपर हिट है ये सुपर हिट अभी अपना प्रोग्राम सुपर फ्लॉप हो जाता कितना उत्साह में गाने गा रहा है अब ये काम कर कुणाल के पास जा वो राह दिख रहा है कब से अरे असली काम तो रह गया अभी क्या अरे ये हुशार ये रॉकेट लेके तेरी असली चीज तो भूल गया यार हम का पीनी है हम का पीनी है थैंक यू है हम का पीनी है हम का पीनी है जरा लौकर 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 बरसों बाद खुशियां लौट रही है सुना ए घर आज पार्टी है नहीं कहाँ शादी की पार्टी नहीं है ये खुफिया पार्टी है हम दोस्तों की प्राइवेट पार्टी क्या सुन के बुरा लगा ना मुझे भी बहुत बुरा लगा ये पार्टी इसी वजह से इस घर में हो रही है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है मुझे रोकने वाली टोकने वाली इस घर की तेरी मालकिन यहां मौजूद नहीं है मेरा शादीशुदा ना होना दूसरों की खुशियों का कारण बन गया है एक मिनट लेकिन तू मायूस मत होना बिल्कुल मत रोना बहुत जल्द मेरी शादी होगी तेरी मालकिन बहुत जल्द इस घर में आएगी जो मुझे पार्टी शार्टी करने से रोकेगी फिर मैं दूसरों के घर जाऊंगा खुफिया पार्टी करने के लिए ए घर सुन आज मेरा तुझसे ये वादा है कि 2015 में इस आशियाने की मालकिन जरूर आएगी तू कब आया वो सब छोड़ तू पगला गया घर से बातें कर रहा है भाई लोग घरवाली से बातें करते हैं तो मैं घर से बातें करता हूँ तुझे तो बिन पी यही चढ़ गई है बहुत हो गया अब तू शादी कर ले छिड़क तू जले पर नींबू मिर्च काली मिर्च सब छिड़क अरे अरे भाई मैं कहाँ शादी के लिए मना कर रहा हूँ लेकिन तेरी होने वाली भाभी मिले तब ना अब फिक्र मत कर पप्पू हम सब गोकुल धाम वाले तेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना ओए देखना तेरी बड़ी सुंदर सुशील ब्यूटीफुल प्रिटी कन्या से शादी होगी थैंक यू सोनी थैंक यू और अगली पार्टी होगी तेरी फेयरवेल पार्टी मतलब फेयरवेल फ्रॉम बैचलरहुड एंड वेलकम टू मैरिज हुड अच्छा ऐसे 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 अरे भाई वाह 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 सोनी तेरे मुंह में घी शक्कर और कैरम ओए यार दिल खुश कर देता ओ तेरी ओ पप्पू मैं सारा सामान लेके आ गया हूँ अरे वाह 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 शाम को करेंगे जबरदस्त शादी वाली पार्टी अरे मजा आ जाएगा भाई आज रात को सबकी दुनिया आ जाएगी हम कभी नहीं है
आवाज कम करो, तुम लोग की आवाज नीचे फर्स्ट फ्लोर तक आ रही है। अरे भाई भिड़े टेंशन मत लो, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ अय्यर भाई है। ठीक है ये मैं चखना लाया हूँ, इसे भी संभाल के रखना। अरे वाह 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 वाह, ये क्या है? चखने में पापड़ अचार। भाई भिड़े क्या है तेरा विचार? और चलेगा भी चलेगा, मीठा तो नहीं है ना? अरे ये अचार और पापड़ डिलीवरी करने के बाद तो घर से निकल पाया हूँ भाई, असली माल तो उसके नीचे है देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, असली माल भाई है भाई। कोपरवाल, अरे आत्माराम सोड़ी, तुम लोग यहाँ पर? अभी से मैं तो तैयार हूँ यार। अरे नहीं रे, वो मैं तैयारी करने आए थे हम लोग। ओहो, कीप अप द गुड वर्क। ये देखो बाजार में नया ब्रांड है भाई। नया ब्रांड नहीं छोड़ी, ये देखो ये परफ्यूम है। ये देखो वो पीने के बाद इसको ऐसा छिड़कने का, जैसे वो दुकबू है ना, दुकबू वो नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है। चलो फिर घर चलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर मस्त अपनी शादी वाली पार्टी करते हैं। आज नाचूया पार्टी मध्ये या, मी तयार झाले बघा। वा 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 वा, अरे बरोबर नाचू बरोबर गाऊ नंतर पोटभर खाऊ। सोसायटीत मज्जा, दुसऱ्या दिवशी रज्जा, दोघे जण मस्तीत राहू। पहिले सोशल पार्टी बघू पार्टी, नाश्ता सगळे गोकुल धाम वाले। माधवी अभी तक पार्टी शुरू नहीं हुई तो इतना मजा आ रहा है, पार्टी शुरू होने के बाद क्या होगा? ना खरच। मैंने तो अड़ोस पड़ोस के जान पहचान वालों को भी बुला लिया है पार्टी में, मजा आएगा रे। मैं तो आग लगाने वाली हूँ, आग। आगे? आग मुझे तशी आग नहीं हो, वो कहते हैं ना मैं डांस फ्लोर पे आग लगा दूंगी, आग लगा दी वगैरह, वैसी आग। हाँ वैसे वैसे। हाँ खुफिया पार्टी में जब दो दो पेग मारेंगे तो आग तो लगने ही वाली है। बस सोड़ी कुछ गड़बड़ ना करे। सोड़ी भाई क्या गड़बड़ करेंगे? क्या कौन सा क्या गड़बड़, कौन गड़बड़ करेगा? सोड़ी भाई। वो क्यों गड़बड़ करेगा? अरे अभी आप ही ने तो कहा बस सोड़ी कुछ गड़बड़ ना कर दे। हाँ अच्छा सोड़ी, मेरा मतलब था कि सोड़ी क्या है, उत्साही है ना, वो ऐसे किसी को नाचते नाचते उठा लेगा तो किसी के भी कमर में मोच आके गड़बड़ ना हो जाए, वैसी वाली गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे बोला मैंने। मतलब थोड़ा सा आहिस्ता और आराम से नाचना चाहिए। काई नहीं आज आराम से वगैरह, मस्त तो फुल टू धमाल नाचेंगे आज। ठीक है तो आज हम लोग धत्ते ही डांस करेंगे। आज तो पार्टी में ऐसा डांस करेंगे कि लोग चकरा जाएंगे। क्या बात है हंस, आज एकदम मूड में लग रहे हो। अरे मूड तो पार्टी में जाके बनेगा, गोपटलाल के घर जाके पैग लगाकर। एक बात कहूँ, तुम सारे जेंट्स को एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने एक दिन में सारे तैयारियां कर दी। खुफिया पार्टी की भी जबरदस्त तैयारी की है, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा कोमल, तैयारी इतनी बढ़िया हुई है कि सबको बहुत मजा आएगा। हाँ वो तो है, हंसम कितने लकी हैं कि इस सोसाइटी में सब मिलकर पार्टी करते हैं, वरना कुछ सोसाइटी में तो जेंट्स अकेले ही पार्टी करते हैं। हंस मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बबीता। हाय अय्यर। मैं अभी तुमको ही याद कर रहा था, पार्टी के लिए अकेले तैयार होने का मन भी नहीं कर रहा था। आई एम मिसिंग यू। इट्स ओके अय्यर, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी, ओके? तुम पार्टी एंजॉय करो। अरे हाँ हाँ। पर हाँ मैं नहीं हूँ वहाँ पे, इस बात को कोई फायदा नहीं उठाना, बाहर जाके कहीं ड्रिंक विंक मत करना। अरे नहीं नहीं बबीता, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे एब्सेंस में तो मैं इतना दुखी हूँ कि सोसाइटी की पार्टी में भी जाना नहीं चाहता। कम ऑन अय्यर, तुम पार्टी में जाओ और एंजॉय करो, ओके? और हाँ प्लीज मुझे फोटोग्राफ्स भेजना, ओके? हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगी। लेकिन बबीता, आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू टू, ओके? बाय। तारक, एक बात पूछूं, आप कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं तो? नहीं मतलब आज 31st की पार्टी में आप कुछ मिस तो नहीं करेंगे ना?
क्या मिस करूंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ड्रिंक? मैंने सुना है कि 31st की पार्टीज में यू नो जेंट्स लोगों को पीने वीने का ज्यादा शौक होता है। अरे क्या बात कर रही हो अंजलि, अरे मुझे नशे के लिए कुछ पीने की जरूरत कहाँ है, मुझे तो तुम्हारी आंखों से ही नशा हो जाता है। रियली तारक, आप कितने अच्छे हो। अरे अच्छी तो तुम हो अंजलि, मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। सच में? मन करता है अंजलि मैं तुमसे एक दो पल नहीं कई दिन दूर रहूं, ताकि पीने की नहीं खाने की भी आजादी मिले। तारक, हाँ, हाँ। वैसे क्या कहते हैं, आज हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है। अरे सुपर हिट, क्या कपड़े सेलेक्ट किए हैं। थैंक यू। ओए यार क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार तू। रोशन टू बी एकदम प्रिंस जो हैंडसम लगे। ओ सोनी है, वो क्या है ना, आज पार्टी है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और शाम को टकराएंगे जाम से जाम। सुबोलियो टकराए जाम? वो क्या है ना सोनी है, वो पार्टी में इतनी मस्ती होगी कि मस्ती का हो जाएगा ट्रैफिक जाम, ये कह रहा हूँ यार। तेरा चाहे यार। अच्छा रोशन, यार आजा पार्टी शार्टी करते हैं। ओ यारा, ओ तू लेट कर देता। ओ पर क्यों यार, आज तो मेरी सोसाइटी में 31st की पार्टी है। ओ यारा, ओ सोसाइटी की भी पार्टी कोई पार्टी होती है। ओ यारा तू शेर है, शेर, ओ बब्बर शेर। ओ घास फूस करने वाली पार्टी में क्या खाएगा पिएगा यार तू। ओ यार इत्थे आ जा, हम लोग पार्टी करेंगे, ओ भंगड़े डालेंगे, ओ पटियाला पैग मारेंगे। ओ घास फूस वाली पार्टी तो सोसाइटी में होने वाली है, हम गोकुलधाम सोसाइटी के सारे दोस्त अपने खास दोस्त पोपू के घर में जम के खुफिया शाटी वाली पार्टी करने वाले हैं। ओ क्या बात है यार, बल्ले 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 बल्ले। ओ एक मिनट ओ यार, अगर रोशन पा मीनू पता चल गया थे। ओ ऐसे कैसे पता चलेगा, वैसे भी माय डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है, वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी, और हम सारे यार पोपू के घर में अपनी खास शाटी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे। ओ क्या बात है यार, बल्ले बल्ले बल्ले, खुश कर देता है यार। अमन जिंदर सिंह, अगले साल की पार्टी तेरे साथ, चंगा सत श्री अकाल। दादाजी रेडी, इस तरफ घूमिए। वाह दादाजी, आप बहुत मस्त लग रहे हो, एकदम सुपर स्मार्ट लग रहे हो, मस्त लग रहे हो दादाजी। बुढ़ा बेटा ये क्या पहना दिया है तूने मुझे? अरे दादाजी आप सुपर स्मार्ट लग रहे हो, देखना आज की पार्टी में धमाल मचा देंगे, है ना? हाँ हाँ टपुड़ा, आज की पार्टी यादगार बना देंगे। हाँ दादाजी एक बात कहूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे दादाजी मिले। अरे तुझसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ बेटा, जो मुझे तुझ जैसा पोता मिला है, जो पोता कम और दोस्त ज्यादा है। दादाजी चलिए मैं नीचे आता हूँ, आप भी फटाफट नीचे आ जाना, सब लोग नीचे आ गए होंगे। हाँ जा 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 बेटा, हाँ, जल्दी जल्दी आना दादाजी। हाँ हाँ जेठिया, अरे जेठिया तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई कितनी देर, अरे सीधा 2015 में तैयार होके बाहर आएगा क्या जेठिया? दया तैयार? चलो चलो बाबूजी बुला रहे, चलो। अरे क्या ना, क्या हुआ बापूजी बुला रहे, चल। अरे मुझे ऐसे बापूजी के सामने जाने में जरा शर्म आ रही है। अरे ए जेठिया, बापूजी मैं तो तैयार हूँ, ये दया। क्या हुआ बहू को? बापूजी बापूजी, अरे दया देख बापूजी ने भी मस्त पार्टी वाले कपड़े पहने। हाँ बहू कहाँ है? ओ बापू जी, वो शर्मा रही है आपके सामने आने में, पार्टी वाले कपड़े पहने हैं ना तो। अरे अरे बहू, अरे उसमें शर्माना क्या? अरे बहू तू तो मेरी बेटी जैसी है, आजा आजा बाहर आजा आजा आजा। हाँ
अरे वाह वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी दिकड़ी है। वाह, और कपड़े तुझ पे जचते हैं। थैंक यू बापूजी। हाँ चलो जमाई राजा, नीचे चले। जमाई राजा? अरे ये मेरी बेटी है तो तू मेरा जमाई हुआ ना। चलो चलो नीचे चलो चलो चलो। ओहो, आज तो बापूजी एकदम अच्छे मूड में है। लगता है हमारी खुफिया पार्टी आज सुपर हिट होने वाली है। लेकिन तू अब दिक्का की मम्मी नहीं लग रही है। क्या बात है, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि सब आज ऐसे लग रहे हो जैसे हो तोता और मैना। लेकिन अय्यर भाई को छोड़कर बबीता जी नहीं है इसलिए अय्यर भाई जरा गुमसुम गुमसुम लग रहे हैं। एक्टिंग कर रहे गुमसुम होने की। पत्नी के बारगाह जाने पे पति गुमसुम थोड़ी होता है, खुश होता है।
क्या? मजाक कर रहा हूँ, होली है तू बोली है। अब आइयर भाई, हाँ? आज आप अकेले हैं तो बिल्कुल दुखी मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं। हाँ? थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। दोस्तों, आपके गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में एक स्पेशलिटी है, सोच रहे हैं क्या? वेल, आप लोग हमेशा साथ में रहते हैं, एकजुट होके रहते हैं, और यही साथ तो है जो गम को कर देता है आधा और खुशियों को ज्यादा और भी ज्यादा। तो चलिए, आज हम करेंगे लॉट्स ऑफ पार्टी, क्योंकि आज पार्टी नहीं है, बिल्कुल सस्ती, क्योंकि इसमें है डॉली और होगी फुल धमाल एंड फुल मस्ती। सो कम ऑन फ्रेंड्स, आज अपने सारे काम को साइड पर कर दो और हर पल में खुशियां भर दो। आज ना ही म्यूजिक थमेगा और ना थमेंगे आपके पैर। यस! अरे हाथ भी नहीं रुकेंगे, नाचते नाचते। तो चलिए दोस्तों, डोंट वेस्ट मोर ऑफ योर टाइम एंड लेट्स डांस विद डीजे डॉली, क्योंकि आज सब करेंगे लेट्स मूव इट लेट्स मूव इट लेट्स मूव इट लेट्स मूव इट। तो चलिए दोस्तों, किस चीज का वेट हो रहा है, आप सब आ जाइए डांस फ्लोर पर एंड लेट्स हियर द म्यूजिक। सब तैयारी हो गई है ना? ये भाई, ये सब दिख तो रहा है, इतनी अच्छी तो तैयारी की है, और कैसी तैयारी चाहिए तुझे? चाचा जी, वो दूसरी तैयारी की बात कर रहा है। दूसरी तैयारी? वो मतलब सब ये नाचने के बाद सबको भूख लगेगी ना, तो मामा खाने की तैयारी है ना वो? हाँ हाँ, वही बोल रहा था, गार्डन में मतलब रेडी है सब। भिड़ा भाई। अरे मनोज भाई, मैं अभी। अरे आ गए आप, क्या मस्त आयोजन किया है। हाँ, थैंक यू। वो आप अचार पापड़ का पेमेंट लेके आए? हाँ लाया हूँ ना। हाँ थैंक यू। लेकिन देखो, इस बार खोना नहीं, अगर इस बार मिसप्लेस हो गया तो तीसरी बार चेक नहीं दूंगा, समझो आपका पेमेंट गया। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे, वो क्या है, पहली बार गलती से कैसे मिसप्लेस हो गया मुझे मालूम नहीं, ऐसे मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ मैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आप एंजॉय कीजिए पार्टी, एंजॉय कीजिए। या अरे देश भाई, क्या बात है भिड़े, साल का आखिरी दिन लक्ष्मी भैया की कृपा हो गई तुझमें, गणपति बप्पा। अरे लक्ष्मी भैया की जय, नाचो। खाली नाचो और भागा। हाँ सेठ जी, नट्टू कक्का कहाँ नाच रहे हैं? उंडाई गांव में है? वो क्या है सेठ जी, उंडाई गांव पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे 31 दिसंबर की पार्टी मना रहा है, तो पूरे गांव ने मिलके नट्टू काका को चीफ गेस्ट बनाया है। ओहो, इसलिए अचानक उनको उंडाई जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, नाचो 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 नाचो। अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का सार।
ओहो क्या बात सो गुड मजा आ गया आज की शाम हम सब की प्यारी प्यारी दोस्ती के सही बात है आज हमने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है तो एक डांस उस मेहनत के नाम आज की पार्टी तो शुरू हो चुकी है अभी चल के अपनी चाटी वाली पार्टी शुरू करते हैं हाँ बिल्कुल पोपटलाल प्लान के मुताबिक झगड़ा शुरू करो अरे भाई कैसे शुरू करूं कारण तो मिलना चाहिए ना एक काम करो आप सब नाचो मैं कारण लेके आता हूँ हर मुश्किल में साथ रहकर रंग जमाया है नोक झोक और प्यार से अपने सबको हंसाया है प्यारा सा परिवार अनोखा अपना तो कुल धाम है अपने आप में यारो ये तो छोटा हिंदुस्तान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने देखता जा कैसे बनता है झगड़े का कारण क्या बोल रहे अय्यर भाई अकेले अकेले नाच रहे आप क्या है बेबी तो नहीं है ना अरे टेंशन मत लीजिए मैं नाचता हूँ आपके साथ अच्छा पोपटलाल जल्दी चलिए डीजे डॉली आपको डांस करने के लिए बुला रही है चलो 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 जय डॉलर ये क्या किया तुमने अरे आप क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई पोपटलाल के साथ ना क्यों ना झगड़ा करने का आप झगड़ा मत करो अरे लेकिन ये शांति रखो ये पोपटलाल भी ना पोपटलाल तुम डांस में क्या लगे हुए तुम्हें झगड़ा करना है झगड़ा झगड़ा कैसा झगड़ा झगड़ा नहीं मैंने बोला रगड़ा 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 अरे मास्टर पार्टी में रगड़ा पेटीज भी मंगाई है अरे दे बाबा रगड़ा भी मंगाया हाथी भाई बहुत है भाई अरे वाह फिर तो और मजा आएगा ओ बराबर है नाचा नाचा ए पोपटलाल जेठालाल क्यों हो गया भाई यार क्यों लड़ रहे हैं ऐसे चिल्ला रहे हो यार क्या हुआ पोपट भाई दया मैंने जानबूझ के नहीं किया वो गलती से हो गया सॉरी सॉरी क्या सॉरी ऐसे कोई मुंह पर सीधा गोली मारते ये पार्टी कैंसल कैंसल कर रहे पार्टी अरे सोड़ी यहाँ पोपट के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक गिरा है और तू हंस रहा है तुझे मजा आ रहा है और नहीं तो क्या ये हंसने की बात है मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा मैं जा रहा हूँ पोपटलाल रुक जा
अरे पोपटलाल जाने दो, अभी हो गई गलती, जाने दो, भूल जाओ। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा, पर आज के बाद सोसाइटी में कोई पार्टी नहीं होगी। भिड़े, ये कैसा मैनेजमेंट है तेरा? कोई सीधा ऐसे ऐसे मुंह पर कौन नहीं मारता? अरे लेकिन तुम मुझे क्यों बोल रहे पोपटलाल? मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मारा है मुंह पे। और मेरे से भी गलती से हुआ, जानबूझ के थोड़ी किया है। सॉरी भाई। पोपट भाई ऐसा मत कीजिए, पार्टी छोड़कर मत जाइए प्लीज। माफ करना दया भाभी, मैं आपकी बात टालना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे आपकी बात टालनी पड़ेगी, क्योंकि जेठालाल ने जो हरकत की है उससे अब मेरा पार्टी करने का कोई मूड नहीं है। अरे सॉरी। पोपट भाई सुनिए तो, जानबूझ के नहीं डाला होगा, गिर गया होगा। बड़ा मन करके माफ कर दीजिए। ये क्या किया आपने टप्पू के पापा? सॉरी, अभी क्या है कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, अनजाने में हो गया, लेकिन गलती मेरी है तो मैं उसे सॉरी बोल के उसको मना के वापस लेके आता हूँ। और जड़बरा, मैं भी साथ चलता हूँ। ओ मान लो पोपू तुमसे नहीं माना तो मैं उसको मना लूंगा। हाँ हाँ चलो चलो चलो। भगवान करे अगर तुमसे भी नहीं माने तो मेरा समझाना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब सोसाइटी की पार्टी है ना, तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मेरा उसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के सारे मेंबर्स पार्टी में होने चाहिए ना, और वो तो कमिटी मेंबर है। मैं भी चलता हूं। हां चलो चलो। आदरम आदरम, तुमने भी नहीं माना तो मैं मनाएगा। पोपटलाल मेरा पड़ोसी है, हम दोनों सेम बीइंग ब्रदर है, तो वो मेरी बात जरूर मानेगा, इसलिए मैं भी आता है। हां ठीक है चलो। एक मिनट एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर खुदा ने खास्ता आपसे भी नहीं माना तो भाई पोपटलाल पत्रकार आदमी है और मैं बतौर लेखक जरा साहित्य के दृष्टांत देके उसे मनाने की कोशिश करूंगा तो मुझसे मान जाएगा, इसलिए मेरा चलना भी आवश्यक है। करेक्ट करेक्ट। अरे एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी आता हूँ समझाने। हाथी भाई आप कहाँ दो माला चढ़ेंगे, आप रहने दो। अरे आप तो कहानी में ट्विस्ट ला रहे, मतलब सब जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पोपटलाल मुझे ना देख के रूठ जाए, कहे सब मुझे समझाने आ गए, हाथी भाई नहीं आए, जो हमें नहीं आता, इसलिए मैं भी आ जाता हूँ। हाँ जेठालाल आने दो ना, आने दो। हाँ चले चले। नहीं मुझे लगा दो माला। जेठा भाई बस कहीं हमारा झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं चलो चलो चलो। अरे भाई जाना है तो जल्दी जाओ ना सब लोग। टप्पू के पापा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रहने दीजिए, हम सब लेडीज जाकर पोपट भाई को मनाते हैं। हाँ जेठा भाई तय भाभी सही कह रही है, उनका आपके साथ झगड़ा हुआ है तो शायद आपकी बात ना माने, हम सब जाके मना के लेके आते हैं ना। और जेठा भाई हम जाएंगे ना तो हमारे सामने ज्यादा बहस भी नहीं करेंगे। अरे नहीं देखिए गलती मुझसे हुई है तो मेरा फर्ज बनता है ना सॉरी बोलना, और दूसरा क्या जब तक मैं उसको मना के वापस पार्टी में नहीं ले आऊंगा मैं पार्टी का मजा ठीक से नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा प्लीज। नहीं नहीं जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, उसको माफी मांगने दो, और अगर हमसे भी वो नहीं माना तो फिर आप सब आ जाना ऊपर उसे मनाने के लिए, है कि नहीं? हाँ, भले। बड़े बिल्कुल सही कह रहा है, और तब तक देखिए आप लोग परेशान मत होइए, हम पोपटलाल को मनाते, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ चलो। पोपटलाल अरे भाई पोपट भाई मान जाओ।